तो कैसे हैं दोस्तों, आज एक नया प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई के तरफ से। देखो ये फ्लिपकार्ट ने एप्पल का 8,000 रुपये वाला स्टाइलस पेन छोटा भाई बना दिया। ये 8,000 रुपये का फंक्शनैलिटी वाला पेन बस मात्र 1600 में, ओनली 1600। ये 2-3 दिन पहले ही मैंने फ्लिपकार्ट के वेबसाइट से परचेज किया, और ये लास्ट टाइम जो आप वीडियो में देख सकते हो ऊपर आई बॉक्स में आ रहा होगा एक वीडियो जिसमें मैंने इस पेन का अनबॉक्सिंग किया था। ये भी फ्लिपकार्ट का स्मार्ट पेन है, स्मार्ट स्टाइलस एंड्रॉयड या यूनिवर्सल ये पेन है। आप पूछोगे इस पेन में और इस पेन में क्या अंतर है, ये पुराने वाले पेन में और नए वाले पेन में क्या अंतर है। तो अंतर ये है कि ये यूनिवर्सल पेन है, ये आईपैड जो ये है, एंड्रॉयड फ़ोन या iOS, यूनिवर्सल ये सब पे चलेगा ये वाला पेन। लेकिन ये पेन जो अभी अभी मैंने 2 दिन पहले परचेज़ किया है, ये पेन सिर्फ और सिर्फ आईपैड्स के लिए बनाया गया है, ओनली एंड ओनली फॉर आईपैड्स। जिनके पास आईपैड है वो खुश हो जाओ भाइयों। 8,000 रुपये का ये एप्पल ये पेन बनाता है, जो जिसका सेम फंक्शनैलिटी वाला पेन फ्लिपकार्ट ने मात्र 1600 रुपये में बना दिया। आई एम टू हैप्पी, दिल गदगद हो गया भाई। और मैं आपको अभी इसका फंक्शनैलिटी अभी दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, ये पेन वो बैटरी हो गया लो, तो मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा अभी। देखो ये आईपैड में एक नोट पैड देता है, ठीक है, ये नोट पैड, ये मेरा पुराना वाला पेन जिसके ऊपर वन टच ऑन वन टच ऑफ, ये यूनिवर्सल है जो सारे पे काम करता है। जैसे यहाँ पे काम करेगा, देखो ऐप स्टोर खोलना है या यूट्यूब खोलना है, यूट्यूब में सर्च करना है कुछ भी, देखो ये। लेकिन अगर मैं इस पेन को ऐसे हाथ रख के यूज़ करूँ तो देखो मेरा हाथ भी टाइप कर रहा है और ये भी टाइप कर रहा है, तो इसमें आप बहुत सारा मिस्टेक हो जाएगा आपको लिखने में। एप्पल के ही 8,000 रुपये वाले पेन में ये फंक्शनैलिटी है कि आपका हैंड वो नहीं डिटेक्ट करेगा, ओनली ये पेंसिल, ये जो स्टाइलस पेन है या जो पेंसिल है बस उसे डिटेक्ट करता है। इसी प्रॉब्लम को फ्लिपकार्ट ने अपने नेक्स्ट पेन में उन्होंने सॉल्व कर दिया है। देखो अब ये इस वाले पेन में, तो इसे ऑन करो, यहाँ से इसका ऑन करने का स्विच यहाँ पे दे रखा, वो ब्लू कलर का एक दिख रहा है, ब्लू कलर का एक स्विच ऑन होने पर वो बटन ये बल्ब इंडिकेट कर रहा है, ऑफ ऑन। लास्ट वाले में कहाँ दिया था, ऊपर यहाँ पे। चलो तो ये देखा जाए, इसमें आप हाथ रखो, लेकिन देखो मेरा हाथ जो टाइप नहीं कर रहा तो सिर्फ इसे टाइप करने दे रहा। चलो एक इसका एक और फंक्शन, मेन फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये एप्पल का नोट पैड है, नोट्स, जहाँ पे आप नोट्स लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ये नए वाले जो फ्लिपकार्ट का स्मार्ट बाई का जो नया वाला स्टाइलस है, देखो उससे आप सैंग अ सॉन्ग कुछ भी लिखो, चेंज दो कलर कर दो, ये ड्रॉ ऑपरेशन अनबॉक्सिंग। लेकिन अगर आप इसी पेन से ये पेन जो यूनिवर्सल पेन है उससे अगर आप लिखना चाहो तो ये इट विल नॉट राइट ऑन नोट पैड, क्योंकि ये पेन इसके लिए, ये से आपके लिए बना ही नहीं है। देखो ऑन है, फिर भी ऑन है ना, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, देखो ऑन, देखो नहीं लिखता यार, कितनों मैं बहुत ट्राई किया क्यों नहीं लिखता मुझे समझ में नहीं आता। हो सकता है ये इसका सेंसर के ऊपर है, इसके अंदर का जो मॉड
जो अंदर प्रोग्रामर जो आईसी लगा हुआ हो माइक्रो कंट्रोलर उसके ऊपर ये डिपेंडेंट रहता है। तो मैंने एक स्केचबुक नाम का एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, ये रहा स्केचबुक। देखो मैंने क्या ड्रॉ किया है, कैसा लग रहा है ना, सही। और इसे ड्रॉ करना है इस पेन से, जो नए वाले पेन से, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप इस पे रख के कुछ भी करो। जैसे अभी अभी थोड़ा हो गया गंदा ब्रश, देखो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कुछ भी कलर यहाँ से सेलेक्ट करो, कलर ले लो डार्क ब्लू। जहाँ पे देखो, अगर ये इस पेन से करूँ तो भी होता है, हो रहा है, लेकिन अगर इस पेन से यूज़ करने के बाद अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो ये सारे जगह पे घिचर पिचर हो जाता है। लेकिन इस पेन के साथ आप वो स्टैटिक लब्स नहीं यूज़ करना है, डायरेक्ट आप हाथ इस पे रखो, डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो। आपको आपका हाथ को ये सेंस ही नहीं करेगा, सिर्फ ये पेन के टिप को सेंस करता। और बहुत हेवी फीचर है, एकदम एग्जैक्ट सेम फीचर है जो 8000 रुपये वाला एप्पल का पेंसिल है जो देता है। जैसे इसमें प्रेशर सेंस भी लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप तक ये ड्रॉ करता है, देख रहे हो कुछ दिखा यहाँ पे, देखो इस टिप से इस टिप तक, इस टिप से यहाँ तक जो लाइनिंग बना हुआ ना, यहाँ तक ये ड्रॉ करता है। चलो देखते हैं, दिखाता हूँ मैं। पहले पेंट ब्रश का साइज सेलेक्ट कर लो, ये रहा। अब मोटा ड्रॉ करना है तो देखो पतला, ठीक है, प्रेशर दे रहा हूँ, प्रेस तो मोटा। जैसे सब प्रेशर देते जाओगे ना हार्ड ड्रॉ करता है ये, देख लो। पेन भी ऊपर से, ये मैं अभी अभी सीख ही रहा हूँ ये स्केचबुक यूज करना। पेन के ऊपर अगर जैसा पेंट ब्रश अगर फुल लेंथ ही इस्तेमाल करता है तो यहाँ तक आप इस्तेमाल कर पाओगे, बाकी ये पुराने वाले पेन में बस इसका ये टिप इस्तेमाल होता है। देखो अंदर देख लो, अगर आपको दिख रहा दिखा, और देखो इस पुराने वाले में का टिप यहाँ तक है, नए वाले का टिप यहाँ तक है। और ये प्रेशर सेंसिटिव भी है जो आईपैड सेंस करता है कि आपका आपने कितना हार्ड पेंट ब्रश को दबाया है। यही सेम फंक्शनैलिटी एप्पल खुद अपने 8000 वाले पेन में देती है। इस ड्राइंग को ड्रॉ करने में मुझे 1.5 आवर लगा, ज़्यादा समय नहीं लगा। असली में दिखाऊँ मैंने कैसा ड्रॉ किया है, इसको सेलेक्ट करो, इसको अनलॉक करो, और HLS मैं कुछ ना कुछ छेड़ते रहता हूँ। देखो आप कलर कॉन्ट्रास्ट भी चेंज कर सकते हो। कैसा लग रहा दोस्तों, इसे ड्रॉ करना बहुत ईजी था। ये YouTube पे मैंने सर्च किया iPad EGF ड्राइंग, और सबसे ईजी में से ये एक था। पेड़ ड्रॉ करो, एक मून ड्रॉ करो, उसके ऊपर से पेड़ ड्रॉ करो और पेड़ में लगा दो झूला जिस पे किसी को बैठा दो, हो गया, वो कलर चेंज हो गया। ये बहुत इजी है, मुझे पर्पल अच्छा लगता है, पर्पल पर्पल। यू कैन चेंज एनी कलर एज योर मूड, इट्स क्वाइट इजी टू डू सो। बहुत इजी था ये ड्रॉ करना। ये रहा पेन, ये रहा मेन, ये पे ये हाथ को ये सेंस ही नहीं करता। जब आप इस पेन को यूज़ करोगे ये आपके हाथ को सेंस ही नहीं करता। चलो मैं डायरेक्ट लिख के देखता हूँ। तो ये हाथ से नहीं लिखाता, ये सब पेन का इस्तेमाल देखो हाथ से नहीं होगा। अब देख रहे हो मैंने पेन चेंज किया, तो पेन चेंज किया, चलो रेड इस्तेमाल कर रहे हैं। कहाँ लिख रहा है,
मेरा हाथ से तो लिख देना चाहिए था, देखो हाथ से ये ऐसा हो जा रहा है, एप्लीकेशन चेंज हो जा रहे हैं, लेकिन ये लिख नहीं रहा, इस वाले पुराने वाले यूनिवर्सल स्टाइलिश से नहीं लिख रहा है, लेकिन नए वाले स्टाइलिश से लिखने लगता है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब 8,000 रुपये का पेन, आई गॉट इट ऑन ओनली 1600 ऑन फ्लिपकार्ट, इट्स क्वाइट अमेजिंग है ना। आप कुछ भी लिख सकते हो, और आप अगर ऐसा लिखोगे तो ऐसा में भी बदल सकते हैं, देखो हाउ आर यू डूइंग, आप इसे वो एज अ लाइन भी यूज़ कर सकते हो, आप हवा में लिखोगे और वो आपके रूल पेज पे आप उसे लिख देगा, यहाँ ऐसा। अब उसे एक फंक्शन आता है जिसमें आप इसे ठीक कर सकते हो, अब उसे मैं बाद में दिखाऊंगा। तो अब मैं इस पर अब लिख बैठ के लिख रहा हूँ, हाथ मेरा पूरा का पूरा यहाँ है, देखो हाउ आर यू ब्रदर, हाउ आर यू, देखो लिखा है ना, पूरा हाथ मेरा इस पे है, और इस पेन, ये नए वाले पुराने वाले पेन देखो, इसका यहाँ पे लाइट है, देखना दिखा, हाँ ये ऑन है आपको दिखा, लेकिन इससे मैं अगर लिखना चाहूँ तो नहीं लिख रहा है, मैंने हाथ भी नहीं हटाया, चलो इस पेन को यहाँ पे रख देता हूँ, और ये नया वाला स्टाइलस, इससे लाइट चला गया, अंधेरा हो गया, लेकिन अपना काम जारी है, अंधेरे में ज़्यादा अच्छा वीडियो बन रहा पता है दोस्तों, वो कलर भी चेंज कर लो, अब बस 16 point कुछ billion कलर इधर जो 4 साल में ऐड हुआ है, यार मज़ा आ रहा है इसे यूज़ करने में, देखो अब टच सेंसिटिव मैंने बताया था ना, देखो अब यहाँ पॉइंट से लिखे तो पतला, लेकिन इनने से लिखते जाओगे तो मोटा लिखाता है, धीरे पत हल्का हाथ से लिखो तो पतला, भार जितना प्रेस करोगे वैसा, अब जैसा पेन का इस्तेमाल है ऐसे ये रहा, वो पतला मोटा लिख रहा, तो लिख रहा मोटा, उग रहा मोटा, तो है ना, अरे और यहाँ पे देखो पतला है, सही पेन अपना काम हो रहा है, कलर चेंज कैसा लगा दोस्तों ये पेन, अंधेरा में सही में अंधेरे में वीडियो बनाना चाहिए था, आपको बार बार दिखाना पड़ रहा उस चीज़ का जरूरत नहीं, तो दोस्तों बताना कैसा, मैं इस पेन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऐसे फ्लिपकार्ट पे ये है, ये पेन अवेलेबल, आप उसे वहाँ से परचेज कर सकते हो, और लाइट ही मैंने पता है अपने से लाइट दे रखा था इसलिए प्रॉब्लम दे रहा था, कैसा लगा दोस्तों मेरा ये वीडियो, देखो एक बटरफ्लाई, अच्छा मैंने बताया ना इस पेन में क्या क्या मिलता है, इस पेन में देखो दो निब है ऐसे ऐसे, और एक वही, ये रहा एक्टिव स्टाइलस पेन यूज़र मैनुअल देखो यहाँ पे दे रखा है, प्रेशर सेंसिटिव है, देखो मटेरियल क्या है, एल्युमिनियम बॉडी एलॉय है, वर्किंग आवर 9 आवर है, 9 घंटा चलेगा, बैटरी मॉडल ये रहा, आप इसे गूगल कर लेना, बैटरी का कैपेसिटी दिख जाएगा, यूएसबी केबल है, एप्लीकेशन आईपैड एंड अदर कैपेसिटिव टच स्क्रीन, लेकिन सिर्फ आईपैड में ये चल रहा है, चार्जिंग केबल एंड यूज़र मैनुअल, देखो ब्लू लाइट ऑन रहेगा तो वो वर्क कर रहा है, रेड लाइट ऑन रहेगा कब जब उसे चार्ज पे लगाना है
और ग्रीन लाइट कब हो जाएगा, जब चार्ज फुल हो जाएगा। ये रहा यूज़र मैनुअल और ये रहा वैसे। और एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ जो लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था, ये पेन वैसा ही जैसे एप्पल का 8000 रुपये वाला पेन का फीलिंग देता ही है। देखो ये रहा, चिपक गया मैग्नेट है ना। पकड़ लेता है ना मैग्नेट, ऐसे अच्छा दिखता है ना। यहाँ पे कीबोर्ड्स का आ गया है लाइन, बहुत ढूल है ना। ये कवर लगाने से हो जाता है, इन कवर नहीं लगाएंगे ना तो इसका डिस्प्ले टूट जाता है। एक बार टूट रखा है, ये रहे दो पेन। अब इस बॉक्स के अंदर आप देख लो क्या मिलता है। वो निब था जो मैंने अभी दिखाया, ये एक टाइप सी चार्जिंग केबल जो लास्ट टाइम जो मैंने दिखाया था। अच्छा, इस पुराने वाले का निब देखो कितना छोटा है नए वाले निब से, है ना, जस्ट आधा है। सोचो इसका इतना दूर तक काम करता है ब्रदर्स, इसका बस यहीं तक। बाकी सब तो मैंने बता दिया आप सबको। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।